Write down question. Plot the points. Plot the points. And check, do they pass in one line? Means forming a straight line. They are lying on a same straight line. They lie on a same straight line. If yes, right. If they pass through one straight line, otherwise no. हरी अप ड्रॉ रफली हरी अप जल्दी मैंने और भी क्वेश्चंस करवाने जल्दी जल्दी करो Yes, are they collinear? Yes, they are collinear. Write down one more question. Plot the points.
plot the point x one minus one, a one minus one, x one y minus one, यहाँ आएगा a four b five, ऐसे आएगा, is it so? The line will be in this form. Now you have to write the coordinates of a point between a and b. ये a है, ये b है. इस line पे lie करने वाला किसी भी point का coordinate लिख दो. कोई भी. अब join करके देखो. किसी भी point के coordinate लिख दो. That is lying between a b. कोई भी coordinate लिख दो. And one you have to write if you extend this line as the way I have extended. You have to write the point which is outside AB. Outside AB मतलब कोई भी point लिख दो, ठीक है? एक बात और, आपसे ये पूछा जाए कि the line, write the coordinate of the point where the line AB intersect y-axis. तो ये point लिखना है. On y-axis your x coordinate is zero. ये point check कर लेना कहाँ lie कर रहा है, वो लिख देना, ठीक है? और ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, सो राइट द एक्स कोऑर्डिनेट हियर. सो यू हैव टू राइट बोथ द कोऑर्डिनेट्स अगर पूछा है आपसे तो. अदरवाइज आपने क्या लिखना है, इसके ऊपर कोई पॉइंट लिखना है, इसके बीच में कोई, इसके बाहर लिखना है, ठीक है? जिया कैन यू टेल मी द पॉइंट विच इज लाइंग बिटवीन ए बी, 3, ठीक है, 3, चलो जो भी है ग्राफ पे प्रॉपर आ जाएगा आपका. आउटसाइड ए बी बोल दो, कोई भी ये वाला पॉइंट ही लिख दो, चाहे 2 - 3. 2 - 3 कैसे हो सकता है? हाँ ये आ गया. और अब आप कौन सा कह रहे हो? 2, ये 2 यहाँ आएगा ना कहीं. 2 - 2 तो इस लाइन के ऊपर लाई कर ही नहीं रहा. वो तो इधर चला जाएगा, इधर नहीं हो ही नहीं सकता. 2 - 2 तो यहाँ कहीं आएगा. हाँ ये बता दो, 0, जो भी आएगा, चलो -4 - 3, चलो जो आएगा लिख देना. एक ये लिख देना, एक यहां से लिख देना, ये लिख देना, ठीक है? कोई भी लिख देना ऐसे. क्लियर है ये? सिट डाउन, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, mark the answer of this question. These are the 4 options. You have to put tick for the correct option.
Yes, what's the answer of this first question? Third option. ठीक है. Do next. Answer of this is third part. C option. Do this. Which option is correct for this? Question number 11. Which answer is this? Third, C part. ये करो. Answer of this question is C part. AOB is congruent to COD. This is the answer. C part. Yes, these two triangles are congruent. By which rule you have to tell me? Rule. How many rules are there? 5. Dipkirti, name bolo. Kon kon se hai 5 rules? Congruency criteria. Clear bolo, beta. AAS, triple S, triple A कोई रूल होता है? Triple A, नहीं, triple S, SAS, ASA, AAS और RHS, ठीक है, 5 रूल्स हैं, उनमें से बताना है किस रूल से congruent है. What's the answer of this? S. ये कौन सा रूल है? कौन से है? Triple S.
अर्नब कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया ये कौन सा एंगल दो एंगल हैं कहाँ एसएस साइड एंगल साइड ये कॉमन है साइड एंगल साइड Hurry up. Answer of next. This question. पुष्टि आंसर बोलो इसका ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी इज 100 एंड टू साइड्स आर इक्वल व्हाट अबाउट आर एंड क्यू आवाज कहां गई म्यूट हो गए हो बोलो बोल क्या रहे हो सुनाई दे रहा है क्या बोल रही हो 80 आवाज आई 40 बोला था कब कब बोला था ट्रायंगल पी क्यू आर है क्यू पी आर ये 100 है एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल If sides are equal, angle opposite to equal side are also equal. ये angle equal होंगे ठीक है x x ले लो 40 40 आ जाएंगे वो Next start करो What's the answer of this question? Jasleen, बोलो आप इसका आंसर करो ना फिर जल्दी करो मगन बोलो आप इसका आंसर इतना तो है भी नहीं कुछ वर्बली क्वेश्चन है ये तो पता नहीं करके आ रहे हो फोर सेंटीमीटर एंगल इक्वल है आर के ऑपोजिट साइड क्या आएगी आर के ऑपोजिट साइड पी क्यू इसके ऑपोजिट आएगी पी क्यू और पी के ऑपोजिट क्यू आर अब आपको ये दोनों साइड इक्वल होगी ठीक है ये फोर है तो ये भी कितना होगा ये दोनों इक्वल है क्यू आर की लेंथ कितनी है फोर अगर ये फोर है तो ये भी क्या होगी फोर
एंगल्स इक्वल है तो साइड इक्वल होती है, साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. विच रिजल्ट वी हैव यूज हियर, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. और इसमें क्या यूज किया था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. यू हैव टू लर्न दीज रिजल्ट. स्टार्ट नेक्स्ट. एंगल्स इक्वल है, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए के ऑपोजिट साइड मगन, ए के ऑपोजिट बी सी, सी के ऑपोजिट चौक बॉक्स यहां रख दो, सी के ऑपोजिट ए बी, बी सी कितना है, बी सी कितना है तो ए बी भी कितना होगा, सेम है बस नेम चेंज है. ये करो, इज दिस अ रैशनल नंबर और इरैशनल, डोंट गो फॉर द आंसर डायरेक्टली, सॉल्व इट फर्स्ट. Yes. Is this a rational or irrational number? किसने कहा रैशनल है, ये है क्या a प्लस बी, who will open the square? रूट टू का स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी. सॉल्व किए कि ऐसे ही बोल रहे हो आंसर, किए रूट टू का स्क्वेयर वन बाय रूट टू का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करोगे क्या आएगा, प्लस टू ए बी, रूट से रूट कैंसिल किया, क्या अब आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है वन, और पूरा टोटल करके क्या आ रहा है, ठीक है क्या बन गया फिर, नहीं एक आ रहा है टू, एक आ रहा है, ये आ रहा है ना टू आ रहा है, क्या आ गया फोर वन बाय टू, नाइन बाय टू रैशनल. आपने आंसर क्या निकाला है, आपका आंसर क्या आ रहा है, टू ए बी नहीं किया आपने, टू ए बी नहीं किया आपने, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू लिखा ही नहीं है. आंसर इज नाइन बाय टू विच इज रैशनल. बिना सॉल्व किए डिसाइड नहीं करना, ठीक है. नेक्स्ट करो, विच इज इरैशनल, इसकी वैल्यू क्या है, जब प्रीत बोलो इसकी वैल्यू क्या है, सो जाओ बोलो, थ्री ओवर फोर, थ्री ओवर फोर क्या है, फोर ही है, बैठ जाओ. ये भी कंफ्यूजन है कि फोर रैशनल नंबर, ये
ये सॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व किए बिना डिसाइड नहीं करना, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, करो डिवाइड, क्या आएगा? ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को कंबाइन कर लो रूट को. रूट फोर क्या होता है? विच इज रैशनल. नहीं तो इसके फैक्टर भी कर सकते हो, टू रूट फाइव, रूट फाइव, रूट फाइव कट गया, टू आ गया, वैसे भी कर सकते हो. रूट थ्री इज इरैशनल, ये रैशनल, ये भी रैशनल है, ये भी, सिर्फ रूट थ्री इज इरैशनल. ये सॉल्व करो, रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5. लेकिन सारे चेक कर लेना, वैसे पता चल रहा है, लेकिन डिवाइड करना भी तो, ये क्यों दिए हैं? ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए सॉल्व करने की, इसलिए पता चल रहा है, ठीक है. लेकिन सारे चेक कर लेना, देख लेना एक बार, हो सकता है बोथ वाली ऑप्शन हो दो की, तो ध्यान से देखना. रूट 45 के फैक्टर करो, 3 रूट 5, रूट 20 के फैक्टर 2 रूट 5, 6 रूट 5 हो जाएगा, ये तो है ही रूट 5 में. अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो. नहीं नहीं रूट में ही रखना है, डेसिमल में नहीं करना, रूट में ही करना है इसको सॉल्व. ये कितना आ रहा था? 3 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 प्लस 4 रूट 5, ये दोनों को प्लस कर दो, 7 रूट 5 माइनस 6 रूट 5, लाइक टर्म्स है, 1 रूट 5, रूट 5 इज आंसर. नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ x इज गिवन, यू हैव टू गेट x माइनस 1 बाय x. पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 1 बाय x फाइंड करेंगे, सबसे पहले 1 बाय x फाइंड करेंगे. हाउ यू विल फाइंड 1 बाय x? यस, हाउ यू विल फाइंड 1 बाय x? बोलो, 1 बाय x का मीनिंग क्या है? मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल. 1 बाय x का मीनिंग ये है ना, एंड यू ऑल नो दैट रूट शुड नॉट कम इन द डिनोमिनेटर, सो व्हाट यू विल डू, यू विल रैशनलाइज इट. क्लियर है? क्लियर है? 1 बाय x मींस द रेसिप्रोकल ऑफ x, दैट इज reciprocal of right hand side, so you will solve it by rationalizing. 2 into numerator will be same, don't multiply it. In the denominator you will apply the formula a plus b, a minus b. 3 square is 9, root 5 square is, root 5 square, 9 minus 5 is 4, answer is 3 minus root 5 upon 2. हमें 1 बाय x मिल गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, यू हैव टू गेट x माइनस 1 बाय x. वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ 1 बाय x इज 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2. नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस 3 एलसीएम ले लो, 3. यस, कीप दिस थिंग इन माइंड, इफ यू आर ओपनिंग द ब्रैकेट यू हैव टू टेक एलसीएम साइड बाय साइड. ये नहीं कि इसका एलसीएम, इसको ओपन कर दो और 2 का एलसीएम लिए, नहीं, एलसीएम भी लेना पड़ेगा और ब्रैकेट भी ओपन करनी पड़ेगी. 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, सेम आ जाएगा, तो डिवाइड किया सेम. अब ब्रैकेट ओपन, 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दिस विल कैंसिल आउट. रूट 5 रूट 5 दोनों प्लस हो रहे हैं, 2 रूट 5, 2 से 2 कैंसिल, रूट 5 आंसर इज रूट 5.